आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत उत्साह, खुशी, उमंग का दिन है कि आज इस सिलिकॉन सिटी में भगवान महावीर जी के जन्म उत्सव पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। चौबीसवें तीर्थंकर जब इस धरती पे जन्म लिया था तब इस धरती पर हर क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों पर पशु बलि हुआ करती थी और पशु बलि को भी धार्मिक रूप से जोड़ा जाता था। अधर्म की ओर उस समय समाज बढ़ रहा था, नैतिकता और सत्य का पतन हो रहा था। उस समय चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जन्म लेने के बाद समाज में जब देखा तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने विलासतापूर्ण जीवन को त्याग कर जंगल की ओर ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकले, लेकिन 13 साल तक उन्होंने जंगलों के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं की गई, उन्होंने उस समय वर्तमान समाज के परिदृश्य, वर्तमान समाज के अनैतिकता की ओर बढ़ना, समाज के अंदर सामाजिक कुर्तियों को सामाजिकता पहला कर धर्म की आड़ में नैतिकता देना, ऐसे बहुत सारे परिदृश्य उन्होंने अपने जीवन में देखे और इसीलिए 13 वर्ष तक उन्होंने अपनी तप और तपस्या से कैवल्य को प्राप्त किया। और भगवान महावीर का जब जन्म हुआ तो उन्होंने समाज को एक ऐसा संदेश दिया, ऐसा विचार दिया जो उस समय समाज के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन अनुकूलता में भी उनका विचार आज दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार बन चुका है। और इसलिए भगवान महावीर के विचारों को हम जितना आत्मसात करते हैं उतना ही हम मानव कल्याण की ओर बनते हैं, हमारे जीवन के कल्याण की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि मनुष्य है जो अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो सामान्य मनुष्य और जानवर की क्रियाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। अब आप कितना बुद्धि, कितना ज्ञान, कितना कैवल्य प्राप्त करते हो यह आप पर निर्भर करता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने उस समय जो देश और दुनिया को विचार दिया, आज दुनिया मान रही है कि सत्य विचार तो यही था। और इस विचारों को लेकर दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन हुए। सत्य के मार्ग पर चलकर
अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अपरिग्रह के मार्ग पर चलकर, आप समाज में देखें आज जो कुछ भी समाज में परिवर्तन हो सकता है वह मनुष्य जीवन में भगवान महावीर के विचारों सिद्धांतों से ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो सकता है। केवल जैन समाज के लिए विचार नहीं, भगवान महावीर के विचार तो पूरी दुनिया पूरे समाज के लिए। अब मैं एक एक विचार की व्याख्या करने लगूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उनको शब्दों में विचारों में दुनिया में कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भगवान ने अगर मनुष्य जीवन दिया है उनके विचारों के कुछ अंशों को भी हम जीवन में आत्मसात करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे जीवन के लिए नहीं हो सकता। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि आज इस कुंडलपुर नगरी सिलिकॉन सिटी में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ है और हम सब जन की खुशी मना रहे हैं। वर्तमान में वर्धमान और वर्तमान शासक नायक जितना भगवान महावीर के विचारों का शासन अपने मन में पड़ेगा उतना ही हमारा मन उस सत्य की ओर, अहिंसा की ओर, अपरिग्रह की ओर, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ेगा। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी के विचारों ने दुनिया की दिशा बदलने का काम किया है। व्यक्ति के साधन से लेकर साध्य तक, भोजन से लेकर वाणी तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक और मोक्ष का रास्ता भगवान महावीर ने बताया है। हम सब इस मनुष्य जीवन में भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करें और मोक्ष की ओर बढ़ें, यही भगवान महावीर की को सच्ची रूप से हमारे आत्मसात, हमारे विचारों को आत्मसात कर पाएंगे। इस मौके पर मैं प्रेमचंद जी बजाज जी को, तेजमल जी पटवारी जी को, भानु जैन जी को और कुंद दिगंबर जैन मंदिर, जो आप जब कभी जाएंगे तो निकलेगा किस तरीके से वहाँ जैन शिक्षाओं को और जैन शिक्षाओं के माध्यम से इन नौजवानों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। सात्विक रूप से, सत्य रूप से, आहार में सत्य और सात्विक आहार हर जीवन के अंदर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का काम कर रहा है। पुनः भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज इस पंच कल्याण के उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरीके से भगवान महावीर के विचार हमेशा हमें नए मार्गदर्शन करते रहें। जय जिनेंद्र। आप